हेलो डियर्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। मैं हूं आपका अपना राजदीप भगवंशी। आज हम इस वीडियो में भारत के प्राचीन इतिहास के स्रोत को जानने का प्रयास करेंगे। सबसे प्राचीन इतिहास, जैसा कि आप सब जानते हैं कि वेद हैं और वेद की संख्या चार है, तो हम वेदों का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम देखते हैं वेद जो हैं इसकी संकलनकर्ता वेद व्यास है, महर्षि कृष्ण द्वीपायन वेद व्यास, जिनकी संकलन करता वेद व्यास। और वेदों की संख्या चार है। वेद कितने हैं? चार है। एक ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद ये सबसे प्राचीन ग्रंथ है। प्राचीन प्राचीन वेद, सबसे प्राचीन वेद, पुराना वेद। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। सबसे नवीन वेद कौन सा है? नवीन वेद वो है अथर्ववेद। इस ऋग्वेद में वर्णित ऋचाओं का, यहाँ पर क्या होता है कि ऋग्वेद के में ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को ऋग्वेद कहा जाता है। किसके? ऋचाओं को। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को ऋग्वेद कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा, यहां से क्वेश्चन आएगा। इस ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, और जो हम ऋचाओ की बात कर रहे हैं ये 10462 ऋचाए हैं। तो आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आएगा कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10462 ऋचाए हैं। ये जो ऋग्वेद हैं, इस ऋग्वेद में जो 10 मंडल हैं, इस 10 मंडल में मंडल की बात करें क्रम से, तो जो 10 मंडल हैं, इन 10 मंडल में पहला मंडल एवं अंतिम, यानी कि दसवां मंडल बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? बाद में जोड़ा गया। और दूसरे मंडल, सेकेंड मंडल से सेवंथ मंडल तक दूसरे मंडल से सेवंथ मंडल तक जो मंडल हैं, इन्हीं सभी मंडलों को गोत्र मंडल कहा जाता है। इसका अभिप्राय है, इसका अर्थ है कि एक समान गोत्र वाले लोगों ने, ऋषि मुनियों ने इसका क्या किया गया है? संकलन किया गया है। जैसे गुरु वशिष्ठ ने, विश्वामित्र ने, जैसे आगे बढ़ते हैं, जो तीसरा मंडल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थर्ड मंडल, जो तीसरा मंडल है, ये तीसरा मंडल आप बहुत इंपॉर्टेंट, ये कि तीसरा मंडल सूर्यपुत्री सावित्री को समर्पित है, सावित्री देवी को समर्पित, सूर्यपत्री सावित्री देवी को समर्पित है आपका कौन सा मंडल? आपका तीसरा मंडल। इस मंडल की रचना किसने की है? प्रश्न आएगा कि तीसरे मंडल की रचना किसने की है, तो तीसरे मंडल की रचना विश्वामित्र ने की है। ये एक क्वेश्चन है। तीसरे मंडल की रचना विश्वामित्र के द्वारा की गई है। विश्वामित्र जो हैं, यहां पर सूर्यपुत्री सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र की स्थापना। किसकी? गायत्री मंत्र। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख, जो आप हम सब जानते हैं कि गायत्री मंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके जाप से आपको आध्यात्मिक शांति और आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव होता है। तो गायत्री मंत्र, जैसे कि मैं उल्लेख कर देता हूँ, बता देता हूँ कि ओम भूर्वः श्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
तो ये जो गायत्री मंत्र हैं, तो गायत्री मंत्र का उल्लेख यानी कि लेखन विश्वामित्र द्वारा किया गया है और इसका उल्लेख तीसरे मंडल में किया गया है। इसके बाद अगला मंडल आता है सातवां मंडल। सातवां मंडल भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस सातवें मंडल में 10 राग युद्ध का वर्णन है। 10 राग युद्ध, ये पारुष्णी नदी के किनारे, पारुष्णी नदी के किनारे, ये पारुष्णी नदी के किनारे हुआ था। वर्तमान में पारुष्णी नदी हम रावी नदी को कहते हैं। ये जो दसराग युद्ध है, 10 राजाओं के मध्य, 10 कबीलों के मध्य हुआ था और इस दसराग युद्ध से में जो जीत है वो सुदास की हुई थी, राजा सुदास की हुई थी। तो ये क्वेश्चन यहां भी बनेगा कि दस राजाओं के मध्य, ठीक है, इसमें विजय कौन हुआ? विजय हुआ सुदास। ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, आठवां मंडल है, इसमें हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन है। तो हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन किसमें है? आठवें मंडल में है। और हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खिल कहा जाता है। एक क्वेश्चन यहां से भी आपको बनेगा, ठीक है। तो दसवां मंडल, नौवां मंडल, ये जो नौवां मंडल है, ये नौवां मंडल सोम देवता को समर्पित है। सोम देवता को समर्पित, नौवां मंडल सोम देवता को समर्पित है। सातवां मंडल दसराग युद्ध से संबंधित है। आठवां मंडल हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। विश्वामित्र द्वारा तीसरे मंडल की रचना की गई है। ये हुआ आपके नौ मंडल तक। और सबसे इंपॉर्टेंट मंडल जो है, ये दसवां मंडल है। दसवां मंडल है, इसमें चतुष्वर्ण की, चार वर्णों का उल्लेख है की जानकारी। क्या बेटा? कि चार वर्णों की जानकारी आपको कहां से प्राप्त होती है? आपको दसवें मंडल से प्राप्त होती है। दसवें मंडल में ब्रह्मा के मुख से माना जा रहा है कि ब्रह्मा हैं, इनके मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है। भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है। जंघाओं से वैश्य की उत्पत्ति हुई है और चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। तो दसवां मंडल पुरुषोक्त से संबंधित है। पुरुषोक्त प्रश्न आएगा आपको कि पुरुषोक्त किस में वर्णित है, तो पुरुषोक्त आपको बताना है। पुरुषोक्त आप इसको पुरुषोक्त, ये किससे संबंधित है? चार वर्ण, दसवां मंडल, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक। यहां चार मंडल जो थे ये कर्म आधारित थे, वंश आधारित नहीं, जात आधारित नहीं। जब हमें ऋग्वेद से, हमें वेदों से आर्यों की संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जो वेद है ऋग्वेद, इसमें हमें ऋग्वेदिक काल यानी कि वैदिक सभ्यता के बारे में हमें जानकारी मिलती है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वैदिक सभ्यता एक प्राचीन सभ्यता है। इसका आदि काल, इसका समय मैं आपको बता दूं कि वैदिक सभ्यता का समय अगर हम देखते हैं तो वैदिक सभ्यता जो है ये आर्यों की सभ्यता, अर्थात जो ऋग्वेद है इसमें किसका वर्णन मिलता है? इसमें हमें आर्यों का वर्णन मिलता है कि आज से लगभग 1500
ईसा के पूर्व से लेकर 600 ईसा के पूर्व तक एक सभ्यता भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सिंधु, सतलज, रावी, व्यास, झेलम और सरस्वती नदी के आसपास के क्षेत्र में थी। ये सभ्यता भी वैदिक सभ्यता कहलाई। ये सभ्यता आर्यों की सभ्यता कहलाई। आर्य जो मध्य एशिया से आए थे, मैक्स मूलर नामक एक मैक्स मूलर नाम के एक इतिहासकार हैं, इन्होंने बताया कि आर्य भारत के निवासी नहीं है। आर्य मध्य एशिया, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यानी कि जो तुर्कमेनिस्तान इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं मध्य एशिया में आने वाले, इस क्षेत्रों से आए हैं। कौन? मैक्स मूलर के अनुसार आर्य भारत आए। आर्य कहां से? मध्य एशिया से। तो इन्हीं आर्यों के बारे में, इन्हीं आर्यों के बारे में इस वैदिक सभ्यता में उल्लेखित किया गया है। यह वैदिक सभ्यता आर्यों की ग्रामीण सभ्यता थी, जिसको दो भागों में बांटा, एक ऋग वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता, और एक उत्तर वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता। बहुत ही सरल है, कोई कठिन नहीं है। ऋग्वेदिक सभ्यता का समय 1500 से 1000 ईसा के पूर्व माना गया, और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा के पूर्व तक आपकी उत्तर वैदिक काल को माना गया। तो ये चार वर्ण जो हैं यहाँ कर्म आधारित हैं। जो अगर ब्राह्मण वर्ग का कार्य कर रहा है, अर्थात अगर कोई क्षत्रिय वर्ग है, क्षत्रिय पुरुष हैं, वह ब्राह्मण के जैसे वेद उपचार, वेदों का व्याख्यान, ज्ञान कर रहा है, तो वह ब्राह्मण कहलाने लगा। ठीक है, जैसे कि विश्वामित्र जो हैं वो मूल रूप से क्षत्रिय हैं, लेकिन उन्होंने ब्राह्मण कार्य किया तो विश्वामित्र को ब्राह्मण तुल्य ब्राह्मण पूछा गया। तो यहाँ ऋग्वेदिक सभ्यता जो है 1500 से 1000 के बीच में है, और इस सभ्यता में ऋग्वेद की रचना की गई है, जबकि अन्य उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, तीनों वेद को लिखा गया है। ऋग्वेदिक में आने वाले आर्यों के बारे में जानकारी हमने बताया है। जैसे आप सब जानते हैं कि आपको मैं बता दूं कि इंद्र का ऋग्वेद में जो ऋग्वेद है, इस ऋग्वेद में इंद्र का 250 बार उल्लेख किया गया है, जबकि अग्नि का 200 बार उल्लेख किया गया। ये जो ऋग्वेद में इंद्र के बारे में कहा गया है, तो इंद्र को पुरंदर कहा गया। पुरंदर, जो पुरंदर होता है, इसका अर्थ हो रहा है किले को जीतने वाला। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि अब क्या हो रहा है कि उत्तर वैदिक काल या वैदिक काल की बात करें तो वैदिक सभ्यता ये हड़प्पा सभ्यता के बाद आने वाली सभ्यता है। आप जानते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है ये 2350 से लेकर 1750 के बीच में मानी जाती है। इसका समय 2500 से 1750 के बीच में भी माना जाता है। तो जो वैदिक सभ्यता है, तो वैदिक सभ्यता की हड़प्पा सभ्यता के बाद आई होती है। तो यहां पर क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो ऋग्वेदिक काल के बारे में हम बात करेंगे आगे। तो ऋग्वेदिक काल में ही ऋग्वेद की रचना की गई है। ऋग्वेद में राजा बलि से संबंधित बातें की गई हैं, जिसमें वामन अवतार के बारे में बताया गया है, भगवान विष्णु के, जो तीन पग में पूरे संसार, दुनिया, पृथ्वी को, पूरे लोक को माप लेते हैं। वे भगवान वामन अवतार के बारे में भी ऋग्वेद में वर्णित किया गया। तो ये हुआ आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है, इसका जो आपका उपवेद है वो आयुर्वेद है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। जो आयुर्वेद है, ये चिकित्सा से संबंधित विवरण इसमें दिया गया है आयुर्वेद में। आगे हम बढ़ते हैं, जो आपको देखने को मिलेगा क्या कि अगला जो हमारा वेद है यजुर्वेद, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद यजु का अर्थ होता है यज्ञ। तो यज्ञ से संबंधित क्रियाकलापों, उनके विधि विधानों आदि के बारे में हमें जानकारी जो है वो आपके यजुर्वेद से मिलती है। यानी कर्म कांडीय कार्य को,
यजुर्वेद जो हैं ये गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाना होता है कि गद्य और पद्य किसमें लिखे गए हैं। अब यजुर्वेद के पाठकर्ता को उधर्व्यु कहा जाता है और ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्र कहा जाता है, जबकि सामवेद के पाठकर्ता को उद्गात कहा जाता है। तो यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो यजुर्वेद जो आपका, आपको याद रखना है कि यज्ञ से संबंधित है, कर्मकांडी क्रियाकलापों से संबंधित है, यज्ञ के विधि विधान से बलि के बारे में, इसमें हमें बलि के बारे में बताया गया है, बलि की जानकारी हमें प्राप्त होती है। जो यजुर्वेद है ये दो शाखाओं में बटा हुआ है, एक कृष्ण यजुर्वेद में और एक शुक्ल यजुर्वेद में। एक कृष्ण यजुर्वेद में और एक शुक्ल यजुर्वेद में, यहां पर दो शाखाओं में यजुर्वेद बटा हुआ है। तो आपको यहां से एक क्वेश्चन बन जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, है ना। तो क्योंकि यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, ठीक है। तो ये हुआ आपका यजुर्वेद। अगला हम देखते हैं सामवेद। जो सामवेद है, सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है, संगीत का जनक, भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। और इससे हमें सात सुरों के बारे में जानकारी मिलती है, जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, ये जो सात सुर हैं हमें भारतीय संगीत से यानी कि सामवेद से मिल जाता है, ठीक है। ये हाथ पर आपको याद रखना। इसके पाठकर्ता को उद्गाता कहा जाता है, ठीक है, इसके पाठकर्ता को उद्गात कहा जाता है। और सामवेद का जो उपवेद है वो गंधर्व वेद है, गंधर्व वेद जो है वो सामवेद का उपवेद है। तो सामवेद से क्वेश्चंस क्या पूछे जाएंगे, सामवेद के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साम का अर्थ होता है गान, यानी कि गाने योग्य की ऋचाएं, अर्थात ऋग्वेद के पाठ को, यानी कि यजुर्वेद जब हम यज्ञ कर रहे हैं तो यज्ञ करने के दौरान ऐसी ऋचाएं हों जो हम पाठ कर सके, गाकर उनको हम क्या कर सके, पूजन कर सके, इसलिए इस ग्रंथ की रचना की है। और इस ग्रंथ में लगभग 1548 ऋचाएं हैं। कितनी ऋचाएं हैं, 1548 ऋचाएं हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछा जाएगा। तो सामवेद संगीत का जनक उद्गाता के रूप में जाना जाता है। सामवेद जो है यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा ही जाना है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला जो वेद है हमारा, अगला अंतिम वेद अथर्ववेद। अथर्ववेद के बारे में बात कर लेते हैं। अथर्ववेद जो है इसके पाठकर्ता को ब्रह्म कहा जाता है। अथर्ववेद बाद का, यानी कि अंतिम नवीन कह सकते हैं, नवीन वेद है। और इस अथर्ववेद का उपवेद जो है, उपवेद ये है शिल्पवेद। अथर्ववेद का उपवेद जो है यह है शिल्प, ये भी आपको याद रखना, शिल्पवेद, जिसमें आपके आपके बिल्डिंग्स निर्माण से संबंधित है, चिकित्सा से संबंधित जानकारी। अथर्ववेद में जादू टोना वशीकरण चिकित्सा आदि के बारे में उल्लेख हमें मिलता है अथर्ववेद से, ठीक है। तो अथर्ववेद अथर्वा ऋषि और उसके पुत्र उग्रशवा के द्वारा रचित है, इसलिए अथर्वा ऋषि के कारण यहाँ पर इसका नाम अथर्ववेद पड़ा। तो अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये हमारे चार वेद हैं जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम वेद कहते हैं। और इनका वेदों का संकलन करता कौन है, महर्षि वेदव्यास हैं। आपको बता दूं कि जो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हैं, इन तीनों को वेत्रयी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेत्रयी कहा जाता है ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप बताएं, कमेंट्स करें।
और अगले वीडियो देखने के लिए आप बने रहें ड्रीम क्लासेस के साथ। थैंक यू।